मजीद जज्बात ही करते हैं और वर्ल्ड कप सकते हैं। दूसरा बाबर आजम के हवाले से बहुत सारी तनकीद की जा रही है कि उसे अपना नंबर डाउन करना चाहिए क्योंकि ऊपर जाकर स्ट्राइक रेट बहुत चलती है। देखिए तजर्बे की तो देखिए अगर मुझे लगता है कि सीरीज से पहले ये बात हो रही थी कि सीनियर प्लेयर्स को क्यों बुलाया जा रहा है तजर्बा करना चाहिए, तो अभी आप कह रहे हैं कि नौ मैच से कम नहीं पड़े हैं तजर्बे करने। मुझे लगता है कि एक अच्छा मुझे लगता है जो टीम वर्ल्ड कप में जाएगी उसके जितने प्लेयर ज़्यादा फॉर्म में होंगे वो ज़्यादा टीम अच्छी शेप में होगी, तो जो रोल है वो आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए। अभी जिस तरह हम लोग नंबर्स की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि नंबर ऊपर नीचे ये वो हमें सॉर्ट आउट जल्दी करने पड़ेंगे जो कि जिस नंबर पे खेलना चाहते हैं, ताकि वर्ल्ड कप में जब खेलें तो वो प्लेयर्स हर नंबर पे जो जिस नंबर के वो प्लेयर्स हैं वो उस स्टेज पर काफ़ी बैक टू बैक मैचेस खेलें ताकि वो कंसिस्टेंट रन उनको मिलेगा तो उनको पता होगा कि उस कंडीशन से उस सिचुएशन से कैसे निकला जाता है। तो मुझे लगता है वो सॉर्ट आउट हो रहा है तो उसमें टाइम लग सकता है और जब इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के लिए जाएँ तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। फैसला जो भी होगा दूसरा जो आपको पांचवा सोलह वनडे टी ट्वेंटी वाला भी है वो भी मैनेजमेंट का ही है कि वो आपको अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं क्योंकि मैं उस स्टेज पर नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ क्या टीम मिलेगी। सर आप हमने पी एस एल में देखा था आपकी बैटिंग की जो डबल नंबर पे आते थे कि आप खुद कप्तान थे वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है बैटिंग में, लश्ना ने खेली उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी दी है बैटिंग में, बैटिंग में लग रहा है कि गदर पर जो टीम जा रही है कप्तान से कुछ इस तरह से जवाब ये कि ऊपर वाले नंबर पर भी ट्राई करें एक दो मैच। देखिए वो अंदर की बात मैं आपको नहीं बता सकता। दूसरा देखिए ऐसे आर में जब आप खेलते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप टीम को जिताएं किसी भी से भी वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग चाहे फील्डिंग हो, तो मैं मेरी कोशिश है कि मैं कैसा आ रहा था बनूँ कि मेरी वजह से टीम का बैलेंस अच्छा हो क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ से जब मैं कैप्टन होता हूँ तो जो मेरा रोल है उसकी वजह से हमारा टीम का कम्बिनेशन अच्छा बनता है क्योंकि अगर मैं ऊपर वाले नंबर्स पर खेलता हूँ और मैं परफॉर्म करता हूँ अगर मैं नहीं भी करता स्टिल हमारे पास वो ऑप्शन होता है कि यार हम एक्स्ट्रा बैट्समैन या एक्स्ट्रा बॉलर कंडीशन के हिसाब से खिला सकते हैं उसकी वजह से हमारा अच्छा एक कम्बिनेशन बनता है। और दूसरा बाकी जो भी मैनेजमेंट का फैसला होता है उसमें जो मुझे रोल दिया जाता है चाहे वो फ्लोटर का तौर पर मुझे यूज़ किया जाए उसमें मुझे इश्यू नहीं क्योंकि जिस तरह की मेरी नेचर है मैं उस हिसाब से कोशिश करता हूँ कि मैं पॉजिटिव इंटेंट के साथ अच्छे क्विक रन्स करने की कोशिश करता हूँ। उसमें मैं अपने आप को फेलियर को भी एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि जिस तरह की मैं क्रिकेट खेलता हूँ उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं फेलियर में तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और एज ए प्लेयर आपको ये चीज़ आप कोशिश कर सकते हैं क्योंकि मेरा एक सिंपल थ्योरी भी अगर आपको जो चीज़ अल्लाह ताला ने वो टैलेंट दिया हुआ है आप उसका 100% कोशिश करें कि वो ग्राउंड में आप दे दें, बाकी परफॉर्मेंस रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, बस आप कोशिश कर सकते हैं